ओम शांति। सर्व के रक्षक, सर्व के कल्याणकारी, सर्व मनुष्य आत्माओं की छत्र छाया और लिबरेटर, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव की आप सभी स्नेही संतान सारणी नगरी के विशिष्ट गणमान्य व्यक्तित्व बहने और भाई उपस्थित है। आज की इस नुमा शाम में प्रकृति भी हम सभी को सहयोग दे रही है। बहुत सुंदर रोज के रूटीन से ये वातावरण का एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ, कुछ विशेष स्पंदनों से अंतर मन को छू रहा है। शुरू में भी एक गीत सुना और बहन ने स्वागत नृत्य में भी उस प्रभु के प्रति अपनी पुकार, उस पालनकर्ता सहारे दाता को याद किया। एक स्वाभाविक वर्तमान समाज का जो सिनेरियो है, जो बाहर का वायुमंडल है, वो वायुमंडल व्यक्ति के मन को आंख खुलने के साथ ही कुछ कन्फ्यूजन्स में, कुछ टेंशन में, अनेक बातों की उलझनों में ले जाता है। आंख खुली और द्वार पर नजर पड़ी, उदासी खड़ी थी और समाचार पत्र जो सामने आया उस पर नजर डाली तो उस समाचारों ने मन को झकझोर दिया। वहां से व्यक्ति के मन की उलझने समाप्त हो जाती हैं या शुरू हो जाती हैं। हर पल हर क्षण सुबह से लेकर रात तक अगर हम साक्षी दृष्टा होकर के सारा दिन के दृश्यों को, व्यवहार को, आपसी कन्वर्सेशन को देखें तो हर एक अपनी कुछ ना कुछ उलझन को, समस्या को, प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को, टेंशन को, अपनी बीमारियों को एक दूसरे के साथ वर्णन करता रहता है। तो हम अपने आप से एक प्रश्न करें, उलझने आती हैं, हम इनवाइट करते हैं, या उलझन मेरे मन की उपज है? क्या है उलझने? आती हैं या इनवाइट करते हैं, या मन उलझनों को क्रिएट करता है? क्या कहेंगे जी?
मन खुद उलझनों को क्रिएट करता है। तो उलझन मेरी ही रचना है और मैं उलझन का क्रिएटर हूँ। अब उलझन मन में कैसे पैदा हुई? फलाने समय में उसने, अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला और उसका ऐसा बोलने से मेरा एटीट्यूड, मेरी दृष्टि उसके प्रति बिल्कुल नेगेटिव हो गई। बोला अमुक व्यक्ति ने और उसका असर हुआ मेरे मन पर, और वो चिंतन करना मैंने शुरू किया, बोलने वाला बोल करके भूल गया, लेकिन मैंने उस बात को पकड़ लिया। और जब तक वो बात पकड़ में रहेगी तब तक अंदर ही अंदर उलझनों में व्यक्ति उलझता जाता है, जिस प्रकार से स्पाइडर मकड़ी होती है, वो अपना नेट बहुत खूबसूरत बनाती है। आर्टिस्ट भी ऐसा नेट नहीं बना सकता है, और वो जाल बना करके खुद उसमें फंस जाती है। अब अगर उसको उससे बाहर निकलना है तो उसको उस जाल को खुद काटना पड़ेगा। जब उलझनों को पैदा मैंने किया, उलझन क्रिएट मैंने की, उस उलझन का सॉल्यूशन कौन करेगा? बाहर नहीं है, उसका सॉल्यूशन मेरे अंतर में ही है। एक व्यक्ति ने कुछ गलती की, एक ने झूठ बोला। मैं कहती हूं कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उसको सहन नहीं कर सकती हूं। कोई गलती करता है मुझे जरा अच्छा नहीं लगता है। कार्य करते हुए उसका मन बुद्धि कहाँ होता है जो वो गलतियां करता है? दूसरे ने गलती झूठ बोला और मुझे गुस्सा आया, उसने झूठ बोलने की गलती की, मैंने गुस्सा करके राइट किया। दूसरे व्यक्ति ने भूल की, उसकी भूल पर मैं नाराज हुई कि बार बार क्यों भूले होती हैं, आपका ध्यान कांच रहता है, ध्यान से क्यों नहीं करते हो, ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो, ध्यान रखा करो। किया दूसरे ने, उसका असर मेरे माइंड पर, मेरे इमोशंस पर जाता है, और वो मन जो उलझता है उसका असर व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है, उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम के ऊपर पड़ता है। आवश्यकता है मुझे अपनी सोच को बदलने की, मुझे अपने एटीट्यूड को बदलने की। दुनिया ही समस्याओं से भरपूर है, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। जहां प्रॉब्लम्स हैं वहां सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन सॉल्यूशंस को देखने की मेरी आंख शक्तिशाली नहीं है। प्रॉब्लम्स को देखने की आंख बहुत पावरफुल है। सिचुएशंस सामने आती है, उलझने आती हैं, विघ्न आते हैं,
लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, मुझे उसको देखने का जो नज़रिया है उस नज़रिए को बदलना होगा। एक छोटी सी स्टोरी। एक बार एक बहुत घना वृक्ष और उसके नीचे कुछ यात्री विश्राम कर रहे थे। गर्मी का समय था, उस वृक्ष की हवा बहुत ठंडी ठंडी और मधुर हवा थी, कोई भी गहरी नींद में सो सकता था। अचानक उस हवा ने आंधी का रूप लिया। एक नौजवान युवक विश्राम कर रहा था, उठ बैठा, वृक्ष को देखकर कहता है, हे वृक्ष, मेरे घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा था, उस प्रॉपर्टी के झगड़े से मैं दुखी होकर अशांत होकर के तेरे नीचे कुछ शांति कुछ विश्राम लेने के लिए आया, परंतु हे वृक्ष, तेरी इन शाखाओं के बीच कौन सा प्रॉपर्टी का झगड़ा है जो आपस में टकरा रही है? जो उसके मन में था वही उसको सामने दिखाई देता है। आंधी और तेज हुई और उस वृक्ष के पत्ते टूट टूट करके बहुत दूर दूर आंखों से ओझल हो गए। एक नौजवान सन्यासी युवक, वो भी विश्राम कर रहा था, वो भी हड़बड़ा करके उठ गया, वृक्ष को देखकर कहता है, गृहस्थी के झंझटों से, दुनिया की इस उलझनों से, समस्याओं से दुखी होकर, डिमांड सबकी सुन सुन करके पूरी कर करके बहुत अशांत और दुखी हुआ, सोचा संन्यास ले लूं। लेकिन क्या हे वृक्ष, तेरे इन पत्तों की तरह मेरे जीवन का अस्तित्व भी ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा? ये सोच करके वो डीप डिप्रेशन में चला गया। उसकी वो सोच, उसकी वो अंदर की नेगेटिविटी उसको बहुत गहराइयों में ले गई, गुमसुम हो गया। और थोड़ी देर के बाद, अभी उस वृक्ष की दशा ऐसी थी उस पर एक भी पत्ता नहीं रहा, सिर्फ शाखाएं आपस में टकरा रही हैं। एक संगीतकार भी उसके नीचे विश्राम कर रहा था, उठ बैठा और वृक्ष को देखकर कहता है, हे वृक्ष, तेरी ये शाखाएं कितना सुंदर संगीत बजा रही हैं, मेरे वीणा के तार भी ऐसा संगीत नहीं बजा सकते। परिस्थिति तीनों के सामने एक ही थी, लेकिन सोचने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो तीनों का भिन्न भिन्न है। एक सुनते ही देखते ही स्ट्रेस में आता है, दूसरा डिप्रेशन में चला जाता है और तीसरा उसी दृश्य से अपना मनोरंजन, अपना आनंद और खुशी महसूस करता है। वी कैनॉट स्टॉप द चैलेंजेस, बट आई कैन चेंज माई एटीट्यूड towards challenges। चुनौतियां आने ही वाली है, मेरे कहने से चुनौतियां नहीं आए हो नहीं सकता है, लेकिन उसका सामना करने के लिए सेल्फ को एम्पावर करने की, सशक्त करने की आवश्यकता है। अपने चिंतन को, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है।
बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि 95% 98% तो आने ही चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो इसके कैरियर का क्या होगा। ये सोच सोच करके वो स्ट्रेस में आ रहे हैं, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है। वातावरण वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, अगर 95% नहीं आए तो इसका कैरियर का क्या होगा, इसको कहाँ एडमिशन मिलेगी। पहले से ही नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई है, उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव सोच का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। बच्चा रोज स्कूल से 5 बजे घर आ जाता है, आज 5:30 हुआ, 6 हुआ, 6:30 हुआ, बच्चा घर में नहीं आया, पहला थॉट क्या आएगा, पहला थॉट क्या आएगा, क्या आएगा बोलिए, पहला थॉट क्या आएगा, कहीं उसने गलत नहीं कर लिया होगा, ये थॉट, ये भी थॉट नहीं किया। लेकिन इस मन को क्या आदत हो गई है, नेगेटिव सोचने की, हर बात को नेगेटिव सोचेगा। कोई बड़े अरमान से, बड़ी खुशी से मुझे मिलने के लिए आता है, बहुत समय के बाद आया, और जब बहुत समय के बाद आया उसको देखते ही मन में क्या सोच चली, लगता है आज उसको कुछ काम है मेरे से, जो इतने समय के बाद मेरे पास में आया। वहां भी मुझे उसका सेल्फिश मोटिव दिखाई दे रहा है, उसको देख के खुश नहीं हुई, लेकिन जरूर आज इसको मेरा कोई मतलब पड़ा है, कोई काम पड़ा है, इसलिए आया है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी सोच खुद मुझे परेशान करती है, खुद मुझे दुख देती है, खुद मुझे स्ट्रेस देती है, खुद मेरी इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करती है। कारण, अपनी ट्रू सेल्फ को हमने रियलाइज नहीं किया। तो हम जिस जीवन के पथ के पथिक हैं, जिस राह पर हम चल रहे हैं, जो मैंने अपनी मंजिल डिसाइड की है, अपने आप से पूछूं, इस मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, पत्थर हैं, हर्डल्स हैं, उन सबको कौन हटाएगा? जो रास्ते पर जा रहा है, हर्डल्स उसको ही साइड में करनी होगी ना, दूसरा मेरी हर्डल्स को नहीं हटाएगा। तो उन हर्डल्स को हटाने के लिए पुरुषार्थ मुझे करना है, दूसरा मुझे मदद कर सकता है, सहयोग दे सकता है, लेकिन हटाना मुझे पड़ेगा। अपने अंतर की दीप को प्रज्वलित मुझे करना पड़ेगा, खुद को मैं अवेयरनेस में लेकर के आऊं, नहीं तो उसका असर जो मन में चल रहा है, चाहे मैं डिस्टर्ब हूं, चाहे मैं दुखी हूं, चाहे मेरे रिलेशंस में कुछ स्ट्रेस है, मेरे कॉन्टेक्ट्स में कुछ हलचल है,
रिलेशंस डिस्टर्ब हुए हैं, कोई बड़ी बीमारी मुझे आ गई है, कोई एक्सीडेंट मुझे हो गया है, अब क्या करूंगी, कैसे करेंगी, क्या होगा, ये बीमारी कब जाएगी, मेरे रिलेशंस कब ठीक होंगे, सामने वाला मुझे कब कॉपरेट करेगा, ये सब सोच सोच करके चेहरे के जो इमोशंस हैं, चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सब कुछ बोल देंगे, क्योंकि कहा फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। इंसान सोच में बैठा है, दुखी है, ऐसे करके बैठ जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा कि इसकी मन की स्थिति क्या है, ये किस सोच में बैठा है, खुशी है, प्रसन्नता है या दुखी हो रहा है। मनुष्य को दुख दूसरा कोई नहीं देता है, हैरान दूसरा नहीं देख करता है, ये मेरे खुद के किए हुए कर्म है। उन कर्मों से ही हम दुखी भी होते, परेशान भी होते, हैरान भी होते। हम कहते हमने इस जन्म में कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया है जो मैंने किसी को दुख दिया हो, मैंने किसी के लिए कुछ अशुभ किया हो, किसी को कोई नुकसान पहुंचाया हो। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कुछ किया था या मैंने कुछ किया है, तो मैं क्यों इतना सफर कर रही हूं। सिर्फ वर्तमान के कर्म नहीं है, ये हमारे पास्ट के भी कर्म है, और वो पास्ट के कर्म हर मनुष्य आत्मा के साथ चलते हैं, क्योंकि ये शरीर तो विनाशी है, यहां ही जल जाता है, परंतु आत्मा जो अविनाशी है, आत्मा जो इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, वो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मनुष्य सोचता है शरीर जल गया, उसके साथ सब कुछ जल गया, कहते खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, वो खाली हाथ आया नहीं और खाली हाथ जाएगा नहीं, वो अपने साथ अपना भाग्य लेकर के आया था, अपने कर्म लेकर के आया था, और जाया गया तो अपना भाग्य और अपने कर्म लेकर के आया। प्रैक्टिकली जब हम आपस में देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, हम कहते हैं इसकी ये नेचर मदर से मिलती है, ये नेचर फादर से मिलती है, वो हेरिडिटी में उनको मिला। सेकंड नेचर के लिए हम कहते ये ना फादर से मिलती है ना मदर से मिलती है, ये इसकी जो सोसाइटी है, इसका जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें से इसके अंदर ये संस्कार, ये आदत आ गई है। तीसरी नेचर है जिसके लिए हम कहते हैं ना पेरेंट्स से मिलती है ना इसके फ्रेंड सर्कल से मिलती है, लेकिन ये इसकी नई नेचर बन रही है, फैमिली में किसी से भी नहीं मिलती है। तो ये संस्कार जो आत्मा में है, स्वभाव जो आत्मा का है, वो उसके साथ फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट बर्थ में, कि अभी मैंने जमा किया, अभी कर्म किया और अभी ही उस कर्म का फल मिले, ऐसा नहीं होता है। उस समय भी मिल सकता है, थोड़े समय के बाद भी मिल सकता है, और नेक्स्ट बर्थ में भी मिल सकता है। मनुष्य अपने कर्मों से सुखी होता है,
अपने कर्मों से दुखी होता है। ना तो माता पिता बच्चों को दुख देते हैं, कितना भी कोई गरीब माता पिता भी होगा, खाने को नहीं होगा, वो खुद नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को भूखा मरने नहीं देंगे, उनको ज़रूर खिलाएंगे। माता पिता के बच्चे हैं, बच्चे क्यों पैदा किए? कोई वारिस चाहिए, कोई कुल का नाम रोशन करने वाला चाहिए, कोई वंश को आगे बढ़ाने वाला चाहिए। उन्होंने रचना रची है सुख के लिए, शांति के लिए। घर में लड़की बड़ी होती है, कहते हैं इसके हाथ पीले कर दें तो अगले घर में जाकर के सुखी हो। हमने तो सुख के लिए उसके हाथ पीले किए, पर वो अगले घर में जाकर के और ही दुखी हो गई, वापस लौट करके आई। हमने इसलिए उसकी शादी नहीं की थी, इसलिए उसको उस घर में नहीं भेजा था, पर उसका कार्मिक अकाउंट ऐसा था। जो उसके भाग्य में सुख नहीं, शांति नहीं, खुशी नहीं, हर व्यक्ति को उसके भाग्य से ज्यादा और भाग्य से कम कभी नहीं मिल सकता है। भाग्य में है तो ना चाहते हुए भी उसको मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं है, आप उसको कितना भी देना चाहेंगे नहीं दे सकेंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार की सोच में हम खुद अपने मन को उलझाते रहते हैं, नेगेटिव सोच के कारण, अशुभ भावनाओं के कारण, अशुद्ध सोच के कारण, स्वयं के स्वार्थ के कारण। आवश्यकता है हम अपने इमोशंस को, अपनी अंदर की भावनाओं को समझें, और भावनाओं को समझ करके हम अपने एटीट्यूड को बदलें। जितना हम अपने एटीट्यूड को, अपनी वृत्तियों को, अपनी भावनाओं को, अपनी दृष्टि को परिवर्तित करते हैं, वही परिस्थिति हमारी स्वस्थिति बन जाती है। फिर हम कहते, ये बार बार मुझे गुस्सा दिलाता है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती हूं, परंतु करूं क्या, ये करता ही ऐसा है, इसने किया ही ऐसा जो मुझे गुस्सा आ गया। उसने तो ऐसा किया, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आया? मेरा स्वयं पर कंट्रोल नहीं है, इस कारण से मेरा खून खौल गया, आंखें लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया, और गुस्सा करके मैंने वातावरण को, एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट किया, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन पैदा करता है। तो जोर से बोला, जोर से गुस्सा किया, नाराजगी से बोला, कितना पोल्यूशन किया मैंने, और उस गुस्से का असर कोई 2 मिनट 3 मिनट नहीं रहा, वो गुस्सा सारा दिन मेरे अंदर चल रहा है। मैं किसी को बोल नहीं रही हूं, कह नहीं रही हूं, लेकिन वो गुस्सा मेरे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। शाम को घर में हस्बैंड आए, पेरेंट्स आए, जो सारा दिन घर में नहीं थे। घर में एंटर करते ही घर के जो वाइब्रेशंस हैं, घर जो वातावरण दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत टेंशन वाला। रोज घर पहुंचते ही बड़े प्यार से पानी का ग्लास सामने आ जाता है, 2 मिनट में चाय सामने आ जाती है। आज पानी का ग्लास भी धम करके रख दिया, चाय आने में 20 मिनट लग गए, रख करके चले गए।
क्या दिखाता है? गुस्सा किस पर था, क्यों किया था और उसका रिएक्शन किसके ऊपर आ रहा है? खुद तो कंफ्यूज है लेकिन औरों को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको भी एक्साइट कर रहे हैं। खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं, इसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं समझदार होकर, पढ़ा लिखा होकर उसने ऐसा बोला, ऐसा बिहेव किया, सबके बीच मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे डिफेम किया। पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए? ये मेरा विवेक कहता है। लेकिन दूसरा साइड सोचिए, अगर वो समझदार पढ़ा लिखा होता तो वो ऐसा करता ही नहीं। फॉरगेट एंड फॉरगिव, वो बेसमझ है, अपने क्रोध के वश में है, उसका अपने पर कंट्रोल नहीं है, और ही उसके लिए सिंपैथी, मर्सी अपने अंदर क्रिएट करूं और उनको कॉपरेट करूं। क्योंकि जितनी समस्याएं आज हमारे सामने उलझने हैं, कंपटीशन, कंपैरिजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, करेक्शंस, क्रिटिसिज्म, यही हमें उलझाता रहता है। चले थे खुशियों को ढूंढने के लिए, जीवन को आमोद प्रमोद आनंद मनोरंजन करने के लिए, लेकिन हाथ में क्या है, मिल मुझे क्या रहा है? हम अपने आप को, खुद की रियलाइजेशन कराएं कि आखिर भी हम हैं कौन, किस लिए आए, क्या करने के लिए आए और क्या हम कर रहे हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, कि जो भी जीवन के क्षण हैं वो खुशी से आनंद से व्यतीत हो, हार्मनी से व्यतीत हो, आपस में बहुत स्नेह हो, सहयोग हो, खुशी हो, प्रेम हो, आनंद हो, जो घर स्वर्ग लगे। लेकिन आज वो घर स्वर्ग महसूस नहीं होता है, एक बंधन, एक बोझा वो महसूसता है। सुबह से घर से निकले, सारा दिन ऑफिस का, फैक्ट्री का, बिजनेस का, जॉब का स्ट्रेस, घर में आए तो घर में बच्चों की डिमांड, वाइफ की डिमांड, कंप्लेंस, आखिर इंसान जाएगा कहाँ? चारों तरफ से उसको खींचा जा रहा है, चारों तरफ से उसको स्ट्रेस ही स्ट्रेस मिल रहा है। अपने को रिलैक्स कैसे करें? अपने मन की शांति और मन की खुशी वो कहाँ से लाए, कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढें? मैं हांगकांग में थी, एक दिन इवनिंग में एक कपल आया, मल्टी बिलियनर, अगर उसको कहें आकाश के सितारे तोड़ करके ला करके दें तो ला सकते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं, परिवार बहुत अच्छा। आते ही बैठे, कहा हमको एक चीज चाहिए, कहिए।
आपको जो चाहिए जितना चाहिए हम सब कुछ आपको देंगे, सिर्फ हमको खुशी दे दो, हमको शांति दे दो। इतना सब कुछ होते हुए भी आज व्यक्ति के पास न शांति है न खुशी है। उस शांति के लिए खुशी के लिए भटक रहा है। आज हम कोई पार्टीज में है, नाइट क्लब्स में है, एंजॉय कर रहे हैं और अचानक मुझे एक मैसेज आता है, आपका बच्चा या मदर या फादर सीरियस है। वो पार्टी, वो नाइट क्लब जो मुझे कुछ क्षण पहले एक खुशी दे रहा था, जहां मैं आनंद अनुभव कर रही थी, ये मैसेज मिलते ही मेरी मन की स्थिति क्या हुई? क्या वो पार्टी और क्लब मुझे आनंद दे रहा था या ये मन उसमें आनंद पा रहा था? उसी वातावरण में हो लेकिन वो अब मुझे ना खुशी दे रहा है ना मैं उसको एंजॉय कर रही हूं, मेरा मन एक सेकंड में वहां चला गया, तुरंत वहां से निकल जाऊंगी और स्ट्रेसफुल कंडीशन में, स्ट्रेसफुल स्टेट ऑफ माइंड में जब मैं जा रही हूं, माइंड का बैलेंस रहेगा और जहां पहुंच रही हूं, जहां मुझे जाना है, उस व्यक्ति को उस स्थान पर पहुंचते ही मेरे इमोशंस क्या होंगे? तुरंत नेगेटिव। तो उसको मैं सिंपैथी दे सकूंगी, उसको मैं ट्रीटमेंट दे सकूंगी, उसको मैं उस समय वो प्यार, वो लविंग इमोशंस दे सकूंगी, या और ही वातावरण को मैं स्ट्रेसफुल बना दूंगी, क्या होगा? तो आज व्यक्ति में ही खुद खुद को संभालने की भी शक्ति नहीं है। सब कुछ होते भी वो भौतिकता के साधनों से वो एक क्षणिक आनंद, खुशी और शांति महसूस करता है। सारा साल गृहस्थी में फंसे हुए, बिजनेस में, जॉब में है, सोचते हैं वीक 10 डेज 15 डेज के लिए कहीं हिल स्टेशन पर चले जाए, थोड़ा चेंज मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स होंगे, लेकिन लौट करके मुझे फिर उसी वातावरण में आना है जहां स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो उस क्षणिक रिलैक्सेशन को मैं क्या करूंगी? मुझे आवश्यकता है सेल्फ को एम्पावर करने की, और सेल्फ को एम्पावर करने की टेक्निक क्या है? आज हर एक के पास में एक छोटा खिलौना है, सारा दिन उसमें बिजी रहते हैं, एक सेकंड भी उसके बगैर नहीं चलता। जैसे ही उसकी बैटरी डाउन होने लगती है, इमीडिएट उसको चार्ज कर लेते हैं कि अगर ये चार्ज नहीं होगा तो मेरी कारोबार पर असर पड़ेगा, मेरे अंदर जो चैतन्य शक्ति है, जो एनर्जी है, सारा दिन हम उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, क्या उसको कभी मैंने चार्ज करने का सोचा कि ये भी तो चार्ज होनी चाहिए? नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं अभी हम थक गए, अभी मेरे में ताकत नहीं है, मेरे को रेस्ट चाहिए। और वो रेस्ट कितनी देर मुझे मिलेगा? वो भी मन को शांति तो नहीं देता है, खुशी तो नहीं देता है।
तो रेस्ट करने की माइंड को, स्पिरिट को, सोल को चार्ज करने की, एम्पावर करने की परमात्मा हमको टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि हमको दुखों से लिबरेट करने वाला, समस्याओं से लिबरेट करने वाला, एम्पावर करने वाला वो एक ही है। जब जब व्यक्ति कोई समस्याओं में, विघ्नों में फंसता है, कोई सफलता चाहिए, उसको जीत चाहिए, मंदिर पहुंच जाता है, भगवान की शरण में जाता है, उसका सहारा लेता है, अंदर से उसकी आत्मा कहती है मेरा सहारेदाता एक ही है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो एक दरवाजा खुला है और वहां ही जाकर के अपने अंतर की सर्व प्राप्तियां करता है, अंतर की खुशी महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार हम इस भौतिक दुनिया के अंदर अनेक साधनों का सहारा लेते, सुविधाओं का सहारा लेते, इससे सुख मिलेगा, इससे खुशी मिलेगी, ऐसा बना लें, ऐसा कर लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें, वो मेरी खुशी का आधार नहीं है, उसमें मुझे शांति नहीं है, और ही आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, एक दूसरे को देख करके और ही कंपटीशन होता जाता है, इसके पास ये तो मेरे पास भी होना चाहिए, और ही अंदर में उलझने, अशांति बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ, मेरे पास ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, और वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। 5 ईयर्स ओल्ड बच्चा है और बच्चा आपको कहता है डैडी मुझे पैसे दो। डैडी पूछते हैं बेटा क्या करना है, प्लीज मुझे पैसे दो। बेटा क्या चाहिए बोलो, बाजार से ला करके देंगे। बच्चा कहता है नथिंग डूइंग, मुझे पैसे दो। अब 5 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, आप कितना देंगे उसको, कितना देंगे, कितना देंगे जी? 10 रुपीस दे देंगे। 10 रुपीस दे करके भी बच्चा छोटा है, आप उसको समझाते हैं बेटा बाहर लेके जाएगा, गुम हो जाएगा, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे से छीन लेंगे, ये देखो छोटा सा गोलक है मनी बॉक्स, इसमें डाल दो, आपको जब चाहिए इसमें से ले लेना। और बच्चा कन्विंस हो जाता है, उस मनी बॉक्स में, गोलक में डाल देता है। दूसरे दिन फिर बच्चे ने सेम स्टोरी रिपीट की, आपने दिया उसने गोलक में डाल दिया। अब उसको रोज की जो आदत हो गई, रोज आपसे लेता है और गोलक में डालता है, एंड ऑफ द ईयर उस बच्चे ने मनी बॉक्स खोला और उसके पास में इतना बड़ा अमाउंट निकला। आप एक साथ इतना देते? दिस इज मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन कैसे है? आप दिन के 16 घंटे काम करते हैं, एक घंटे में 1 मिनट निकाल सकते हैं, पॉसिबल है? एक घंटे में 1 मिनट पॉसिबल? 16 घंटे के 16 मिनट। अब उस 1 मिनट में मुझे क्या करना है? उस 1 मिनट में टू बी विद योरसेल्फ, अपने अंदर चले जाइए 1 मिनट के लिए, और अंदर जाकर के मुझे क्या करना है,
अपनी जो असली स्वरूप है, ट्रू सेल्फ है, जो ट्रू आइडेंटिटी है कि मैं कौन हूँ, शुरू में बोला ओम शांति। ओम शांति मीन्स मैं आत्मा शांति पीसफुल हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। ये तीन थॉट संकल्प अपने आप को हम दे करके अपने अंदर एक मिनट के लिए डीप साइलेंस में चले जाएं। और ये एक मिनट की साइलेंस सिंसियरली हो और रिलीजियसली हो। ये तीन एक मिनट की साइलेंस अगर मैंने सिंसियरली की, उसका असर कम से कम 15 मिनट्स होगा। अगर एक मिनट की साइलेंस 15 मिनट असर करती है, 16 घंटे के एक एक मिनट, एक मिनट 15 मिनट असर करेगी, कितना हुआ टोटल? कितना हुआ? कौन कैलकुलेशन कर सकता है जी? 4 hours, 4 hours। और मैंने क्या किया? एक मिनट साइलेंस। अभी मैं सोचूं, एक एक घंटे में एक एक मिनट मुझे याद करके साइलेंस में रहना पड़ता है, क्यों नहीं 15 मिनट में 16 मिनट एक साथ बैठ जाऊं? आप 16 मिनट साइलेंस में नहीं बैठ सकते। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया हो एक घंटे में आपको एक टैबलेट लेनी है, कौन याद करे एक एक घंटे में एक टैबलेट? 16 टैबलेट एक साथ ही ले लूं, क्या होगा? फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? हाँ, नुकसान करेगा। तो वैल्यू एक घंटे में एक मिनट की है, जो मुझे सेल्फ को चार्ज करती है, स्पिरिचुअली एम्पावर करती है। वो साइलेंस मुझे करंट देती है, एनर्जी देती है, माइंड को रिलैक्स करती है। उस एक मिनट साइलेंस से पहले कोई ऐसी सिचुएशन अगर है जिसमें मुझे डिसीजन लेना है, माइंड टेंशन में है, आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? माइंड का बैलेंस ही नहीं है और राइट डिसीजन होगा ही नहीं। एक मिनट साइलेंस के बाद आपके सामने फिर सिचुएशन आती है, माइंड को बैलेंस कर सकते हैं और जो डिसीजन लेंगे वो राइट लेंगे। तो एक एक मिनट की साइलेंस हमारे विचारों के ट्रैफिक को ब्रेक लगाती है और उसकी ब्रेक लगने से अंतर में एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक पावर इमर्ज होती है। और वो जो ऊर्जा है, हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो दूसरे के पास जा पहुंचती है। और जैसी ऊर्जा हम पास करेंगे, वैसी ऊर्जा रिटर्न में आएगी। तो जब मैं पॉजिटिव ऊर्जा ट्रांसफर कर रही हूं तो रेस्पॉन्स क्या मिलेगा? पॉजिटिव कॉपरेशन की,
लव की, हार्मनी की, खुशी की, ऑनेस्टी की, ट्रुथ की, शुभ भावनाओं की, शुभकामनाओं की ऊर्जा पास करती रहो। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा उसमें कल्याण होगा, जो होगा वो शुभ होगा। ये बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप ये थॉट्स के वाइब्रेशंस देते जाएं, आप देखेंगे आपके चारों ओर की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे सारे कन्फ्यूजन्स को, सारे क्रिटिसिज्म को, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे ख़त्म करती है। मॉर्निंग में उठते ही पहले तो पेरेंट्स बच्चों को सिखाते थे, ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते थे, सुबह उठते ही माँ बाप के चरण छुओ, उनको नमस्ते करो। आज वो कल्चर ही नहीं है। उठते हैं सामने न्यूज़पेपर ही आता है जो और ही माइंड को पोल्यूट कर लेता है। हम सुबह उठ करके खुद को गुड मॉर्निंग करें, शुभ प्रभात खुद को करें। औरों को करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग टीचर, फॉर्मेलिटी है। पर्पसफुली अपने को कहूँ शारदा गुड मॉर्निंग, आज आपकी प्रभात शुभ हो, आज आपका दिन बड़ा यूनिक हो, विशेष हो, पर्पसफुल हो। आप में ये विशेषता है, आप में ये विशेषता है, आप बहुत कोऑपरेटिव हो, बहुत अच्छी आपके अंदर सबके लिए शुभ भावना है। आज कुछ नया करके दिखाना है, पॉजिटिव थॉट्स अपने को फीड करें और फिर अपना रूटीन शुरू करें। और उसके साथ ही आज के स्ट्रेसफुल वातावरण में, टेंशन भरे वातावरण में, उलझनों में, समस्याओं में इतने ग्रसित हैं हर एक, मोस्टली 80% लोग, ब्लड प्रेशर, हार्ट, डायबिटीज के शिकार हैं। उठते ही गोलियां खाएंगे, दूसरा काम बाद में। हम सुबह उठते ही अपने को 3 टैबलेट्स दे दें, शांति, प्रेम और पेशेंस, कि आज सारा दिन मुझे अपने मन को शांत रखना है। और जितनों के साथ भी आज मैं कांटेक्ट में आऊं, जितनों से भी मिलूं, बहुत लविंगली अपने पन की फीलिंग्स से उनसे मुझे बात करनी है, मिलना है। और तीसरा, पेशेंस, धैर्यता। किसको भी सुनने के लिए अपनी बात सुनाने से पहले बहुत पेशेंटली मैं उसको सुनूं, बहुत धैर्यता से सुनूं, और उनकी बात सुनने के बाद जब मैं कहूंगी कुछ भी उनको बहुत प्यार से सुनेंगे। हम सिर्फ सुनाए नहीं लेकिन सुनने के लिए भी मुझे पेशेंस चाहिए। कई बार बच्चे माँ को बोलेंगे, माँ ये चाहिए, मामा ये चाहिए, ये चाहिए, रोज़ कोई ना कोई तुम्हारी डिमांड होती है, एकदम जोर से चिल्ला जाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सोचा बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके मन पर क्या असर हुआ, वो नहीं सोचा।
लेकिन मेरे मुख से जो शब्द निकले वो बच्चे को तीर के समान लगते हैं। एक मम्मा ने अपने बेटे पर गुस्सा किया, गुस्सा तो किया लेकिन थप्पड़ भी लगाया उसको। कुछ गलती की होगी, कुछ किया होगा उसने। बच्चा माँ को क्या कहता है, आज से तो मेरी मम्मा कहलाने के लायक नहीं है। सोचो बच्चे के मन में मम्मा का कॉन्सेप्ट क्या है कि मम्मा कैसी होनी चाहिए। आज हम ये सब बातें भूल जाते हैं, हम खुद खुद को नहीं समझ रहे इसलिए दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो पेशेंस हमारे में कितनी चाहिए, पर आज व्यक्ति में पेशेंस ही नहीं है, उसको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। वैसे ट्रक्स के पीछे लिखा होता है ना, कुछ कुछ स्लोगन्स लिखे होते हैं, कार के पीछे कभी किसी ने नहीं देखा होगा। एक बार एक कार के पीछे लिखा था, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट हरी अप। तो पेशेंस के लिए भी पेशेंस नहीं है, जल्दी दो। इतना व्यक्ति आज इम्पेशेंट हो गया है। तो उलझेगा नहीं तो क्या होगा, दुखी नहीं होगा तो क्या होगा। तो सेल्फ को रियलाइज करें और अपने आप को रोज सुबह हम ये 3 टैबलेट्स खिला लें, आप फील करेंगे, महसूस करेंगे सारा दिन कितना स्मूथ इजी गोइंग हो जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन हमको पहले ही दिन से रिजल्ट मिलने शुरू होगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट्स हम मेडिटेशन करें, मॉर्निंग उठे पहले 5 मिनट्स मेडिटेशन करें और खुद को गुड मॉर्निंग करें, फिर अपना डेली रूटीन हम शुरू करेंगे तो हमारा जीवन सच में खुशहाल होगा, उमंग होगा, उत्साह होगा कुछ नया करने के लिए, नई सोच के लिए, नई दिशा के लिए हम क्रिएटिव होंगे। आज व्यक्ति के जीवन में कोई उत्साह नहीं है, फेस्टिवल्स हैं ठीक है, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए सेलिब्रेट किया, बड़े खुशी में आनंद में आ जाते, उसके बाद फिर जैसे थे वैसे ही। लेकिन रोज मेरा जीवन उत्सव मनाए, रोज जीवन में एक नया उत्साह हो, एक नई उमंग हो, जो मुझको देख करके दूसरे खुश हो जाए, दूसरे आनंद में आ जाए, औरों को शांति मिले, प्रेम की महसूसता हो, अपनेपन की महसूसता हो। जब हम खुद महसूस करेंगे तो औरों को महसूस करा सकते हैं। तो अभी हम 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करेंगे, आपको कुछ शब्द सजेस्ट करेंगी, आप सिर्फ सुनिएगा नहीं लेकिन उसके साथ साथ अंतर मन की यात्रा पर चलिए। मेडिटेशन के लिए कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई माला का जाप करना नहीं है, एक खुद की एक रियलाइजेशन है। मेडिटेशन एक कॉन्सेंट्रेशन है आत्मा का परमात्मा के साथ। आप जब ड्राइविंग करते हैं कितना कंसंट्रेशन होता है, कितना कंसंट्रेशन, आगे राइट लेफ्ट पीछे, आंख बंद करके ड्राइव करते हो। अगर कंसंट्रेशन का मीनिंग आंखें बंद करना है
तो आंख बंद करके ड्राइव करेगा कोई, और आंख बंद करके करेगा तो एक्सीडेंट होगा। मेडिटेशन के लिए भी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें खुली हैं, आप क्या देख सकते हैं, इस चार दीवार के बाहर देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आंख बंद करेंगे आप सारे विश्व का चक्कर लगा सकते हैं, सब जगह पहुंच जाएंगे। हम मेडिटेशन खुली आंखों से करते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन मन को करना है, आंखों को नहीं करना है। आंखों से हमको हर आत्मा को एक शुभ भावना से देखना है, एक भाई भाई की पवित्र दृष्टि से देखना है, इसलिए हम आंखें खोल करके करते हैं। आप खोल के बैठ सकते हैं तो भी ठीक है, आपको आंखें बंद करनी है तो भी ठीक है। 5 मिनट हम सब मेडिटेशन करेंगे और उन शब्दों के साथ साथ हम अपने अंतर मन की यात्रा पर चलते हैं। ओम शांति। स्वयं के शरीर की एनर्जी पांव से ऊपर, घुटनों से ऊपर, कंधों से ऊपर, भ्रकुटी के बीच, केंद्रित कीजिए। और स्वयं को एक शक्तिशाली सोच दीजिए, मैं एक शुद्ध शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, ये मन उसके विचार शांत हो रहे हैं, शरीर की कर्म इंद्रियां शीतल हो रही है, कुछ क्षणों के लिए इस बॉडी की कॉन्शियस से अपने को डिटैच, करते हुए सर्व शक्तियों के स्रोत अखंड ज्योति बिंदु परमात्मा जो शांति के सागर है, सर्वशक्तिमान है,
परमात्मा की शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। शांति के सागर की लहरों ने लहरा रही हूं। मन शांत हो गया है, विचारों पर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर आ गई है। चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। असीम शांति की अनुभूति हो रही है। कितनी खुशनुमा शांति है। मन प्रफुल्लित हो रहा है। अंग अंग शीतल हो गया है। आत्मा अपनी शांति और शक्ति स्वरूप टिक गई है। पुनः इस शरीर को आधार लेकर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें। जहां भी जाए, जिससे भी मिले, शांति शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाते रहे। ओम शांति।